जी बिल्कुल, आज एडीजे साहब के अगेंस्ट एक उन्हें चेंज करने की रिक्वेस्ट उन्होंने लगाई हुई थी। दोनों तरफ के दलाइल कंक्लूड हो गए हैं और फैसला परसों सुनाया जाएगा। मेरे ख्याल से जज साहब जिब्रान नासिर साहब के दलाइल से मुतमईन नजर आए थे, अब फैसला तो जो वो सुनाएंगे वो देखें वो परसों क्या फैसला सुनाते हैं। जी, जब तक यहाँ का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक वो डेट ही होनी थी, तो वो डेट हुई है। देखे ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ उन्होंने बोला है, क्योंकि घर में ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बच्ची तक को दी गई और घर में कोई डिवाइस ही नहीं है जिससे बच्चा रब्ता कर सके। और वैसे भी वो जितनी मुतनफर है उन लोगों से, तो मेरा ख्याल है वो रब्ता अगर उसके पास डिवाइस हो भी तो वो नहीं करेगी। देखिए मैं तो, मेरा तो अभी फर्स्ट फेज कम्प्लीट हुआ है, अब पूरा केस अभी बाकी है और मैं केस क्यों वापस लूँगा। बच्ची का घर आना सिर्फ एक फेज था, असल कंप्लीट तो ये तब होगा और पाकिस्तान की बच्चियां तो तब प्रोटेक्ट होंगी जब इस तरह के मुलजमान को एक जो एज पर लॉ सजा है वो होगी। तो जब तक उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजा नहीं होगी तो मैं तो इस मुकदमे को प्रोसीड करूंगा। मैं ना किसी दबाव में कभी आया हूं ना होगा।